बॉलीवुड के ऑलराउंडर एक्टर रणवीर सिंह आखिरी बार पर्दे पर 2019 में नजर आए थे। गली बॉय में मुराद के किरदार में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया था, लेकिन बीते दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बड़े पर्दे पर रणवीर के दीदार नहीं हुए हैं। फैंस का अपने इस अतरंगी सुपरस्टार के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूर्यवंशी से लेकर 83 तक उनकी फिल्में रिलीज के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इंतजार है तो बस थिएटर्स के खुलने का। यही नहीं, आने वाले कुछ समय में रणवीर सिंह बैक टू बैक 6 फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं रणवीर सिंह की 6 अपकमिंग फिल्मों पर, जिनका इंतजार उन्हें भी है और करोड़ों फैंस को भी। रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर 6 जुलाई को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की आधिकारिक घोषणा हो गई। गली बॉय के बाद एक बार फिर जहां इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट की जोड़ी नजर आएगी, वहीं इस फिल्म में दिग्गज एक्टर्स की फौज होगी। एक और खास बात ये है कि इस फिल्म से करण जौहर भी 5 साल बाद बतौर डायरेक्टर पर्दे पर वापसी करेंगे। ये फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज होगी। रणवीर सिंह साल 2022 में भी तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म अन्यन की रीमेक में नजर आएंगे। इस फिल्म की घोषणा इसी साल बैसाखी के मौके पर की गई। तमिल फिल्म में लीड रोल विक्रम ने निभाया था। इसके साथ ही वो फिल्म तख्त में भी काम कर रहे हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो मुगल साम्राज्य के दौर की कहानी है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर खान, जुआनवी कपूर और अनिल कपूर भी हैं। रणवीर इस फिल्म में दारा शिकोहक की भूमिका में होंगे, जबकि विकी कौशल इसमें औरंगजेब की भूमिका निभाएंगे। लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की शूटिंग भी प्रभावित हुई है। ऐसे में आसार यही है कि ये फिल्म भी 2022 में रिलीज होगी। सिम्बा और सूर्यवंशी के बाद रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की जोड़ी बड़े पर्दे पर सर्कस लेकर आएगी। यह फिल्म 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होनी है। रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 भी बनकर तैयार है और रिलीज के लिए हालात के ठीक होने का इंतजार कर रही है। यह फिल्म 1983 में टीम इंडिया के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की कहानी पर आधारित है और आखिर में उस फिल्म की बात जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और वो फिल्म है सूर्यवंशी। फिल्म का ट्रेलर 2020 में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के साथ ही अजय देवगन भी हैं, लेकिन ये फिल्म भी रिलीज के लिए तरस रही है।